बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ ये अमल हमजात का पोस्ट करने जा रही हूँ, ये बहुत ही आला और बहुत ही बुलंद है। आगे भी मैंने हमजात के काफ़ी सारे अमल जो हैं आप ही की ख्वाहिश के खातिर मैंने तमाम अमल को पोस्ट किया। मुझे बहुत खुशी हुई, आप सबने बहुत पसंद किया। इसी के साथ मैं आज अपना जो नया हमजात का अमल है वो पोस्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। मैंने हमजात के अमल इसलिए आप ही के ख्वाहिश पर पोस्ट किए हैं। अगर आपकी कोई इसके बाद मैं अमल मुकलात के बारे में पोस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सी बहनें मुझे सुन रही होती हैं, तो जो जो मुकलात के अमल हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, तो उनको करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि मुकलात ख्वातीन अगर अमल करती हैं तो माशाल्लाह उसमें जल्दी अबूर हासिल कर देती हैं निस्बते मर्दों के, ठीक है। और इसी तरह परियों का अमल है, तो अगर ख्वातीन परियों का अमल करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि परियों के अमल में भी बहुत जल्दी अबूर वो ख्वातीन हासिल करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो होती हैं बुज़ुर्ग ख्वातीन, क्योंकि वो पाकी और नमाज का अल्लाह का खौफ और नरम दिल की मालिक होती हैं, इसलिए जल्दी अमलियात के जो परी के अमल हैं उसमें बूर हासिल कर सकती हैं। इसीलिए आज का जो मेरा अमल है हमजात का है, तस्खीर हमजात पर है। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी अबारत है, छोटी सी अजायमत है, वो आपने पढ़नी है, तो गौर से सुन लें। आवाज़ का बहुत मसला आ रहा था, आवाज़ का मसला हल कर दिया गया है। अब आपको आवाज़ में वाइब्रेट नहीं सुनाई देगी, मुकम्मल स्ट्रेट आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। ये आप ही की ख्वाहिश के मुताबिक किया गया है। लफ्ज है फातिह मोहम्मद माहिल लू माहिल लू फाजबल फा ताजिर आयन ताजे हातिह फतेह मीम पेश मू हाजबर है हाजबर आगे शद है, तो हाजबर मीम हम मीम जबर मा मुहम्मा दाल पेश तू मुहम्मदू मीम मीम जबर मा हाजिर ही लाम पेश लू मुहम्मदू महिलू, ठीक है। आगे पक्की आयात है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप जैसे फतेह मोहम्मद माहिल फतेह मोहम्मद माहिल, ठीक है। इस अजायम को सिर्फ आपने 808 मरतबा बापरहेज सिर्फ 9 यौम तक पढ़ना है। तस्खीर हमजात में इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, चांद की 8 तारीख को अमल शुरू करेंगे, ठीक है, 9 चंदी जुमेरात को अमल आप बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे, और बस आपने अपने पुश्त में असली घी देसी घी का जो चिराग है वो जला लेना है, और अपने साए की गर्दन के ऊपर जो है नजरें जमा कर या अपने साए के ऊपर नजरें जमा कर जरूर करना है, लेकिन इससे पहले आप इजाजत लेना आपके लिए लाजिम है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत छोटी बनाया करें, और साथ में अगरबत्ती का भी मैं इसमें जो अमल के दौरान जो अगरबत्ती आपने घंटा पहले जलानी है, एक आवर पहले आप चला लीजिएगा, वो आपको पोस्ट कर दूंगी, वो भी आप लाजमन बनाकर अगरबत्ती ऑन कर ले, ठीक है। अगर आपके पास अगरबत्ती वो नहीं बनती, तो मैं कहती हूँ उससे ज्यादा अच्छी तो कोई अगरबत्ती है नहीं, ठीक है। कोई अगर आप बहुत गरीब हैं और अगरबत्ती नहीं आप बना सकते, तो आप ऐसा कीजिएगा, जो आम अगरबत्ती मिलती है अच्छी खुशबू वाली मेट्रो की, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले तमाम वीडियो हमजात पर है, तो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी आवाज़ का मसला था वो ठीक कर दिया गया है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।